हेलो दादी, मैं दादी बनने वाली हूँ। शुक्र है भगवान का। अच्छा बेटा सुन, घर के कोई भी भारी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रख बेटा। नहीं माँ जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तू प्रेग्नेंट नहीं है मतलब क्या बोल रही है बहू? हाँ माँ, दरअसल बात यह है कि हमने फैसला लिया है कि हम बच्चा अडॉप्ट करेंगे। हरगिज नहीं, मेरे जीते जीना मैं तुम दोनों का बच्चा गोद नहीं लेने दूंगी। पर माँ, इस पे गलत क्या है? किसी अनाथ को घर मिल जाएगा, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अरे ये बोल कि इससे बुरा क्या होगा? बेटा अपना खून अपना ही होता है, और ये जो बच्चा तुम गोद लोगे ना, ये अपना खून नहीं होगा। माँ ये सब सोच पुरानी हो चुकी है, इन सबसे बाहर आओ। हाँ हाँ, अब तो मेरी सोच पुरानी लगेगी, क्योंकि असल बात ये है कि तेरी बीवी माँ बनना ही नहीं चाहती। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा ही है, ये खूब जानती हूँ मैं तुम आजकल की लड़कियों को। अपनी फिगर खराब ना हो जाए इसलिए बच्चा पैदा करने से बचती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा होने के बाद तो शरीर बदल जाता है, और ये हमेशा लड़की बने रहना चाहती हैं। यही बात है ना? देखिए माँ जी, मुझे और लड़कियों का नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर दिक्कत क्या है? बोल, चुप क्यों है? अच्छा अब समझी मैं, तू माँ नहीं बन सकती, यही बात है ना? सुन बेटा, अभी भी ना बहुत देर नहीं हुई है, इसे छोड़ दे। मैं तेरी एक अच्छी लड़की ढूंढ के शादी करवाऊंगी, छोड़ इसे। अरे ये उसके पीछे पीछे क्या जा रहा है? तेरे भले की बात कर रही हूँ मैं। यार बाहर चलो, मैं बात कर रहा हूँ ना अभी मम्मी से। जाओ अपने दूसरी शादी की तैयारियां करो, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। यार तुमको सब पता है, तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? ओवर रिएक्ट? तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ ने क्या कहा? तुम शांत रहो, चलो बाहर चलो, बात करता हूँ। क्या बात करोगे? इतने टाइम से अपने माँ बाप को तो बताया नहीं गया कि कमी मुझ में नहीं तुम में है। क्या? हाँ मम्मी, शादी के काफी टाइम तक अर्चिता माँ नहीं बन पाई थी, हर बार टेस्ट नेगेटिव ही आता था। तो फिर हमने डॉक्टर से टेस्ट करवाने का फैसला लिया, तो पता चला कि कमी उसमें नहीं मुझ में है। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, जाने अनजाने में पता नहीं कितना भला बुरा बोल गई मैं तुझे, पर एक बात कहूं, इतना सब होने के बाद भी तूने मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ा, उसके साथ खड़ी रही। अरे इतनी अच्छी बहू मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, कितनी किस्मत वाली हूं मैं। गुस्सा थोक दे और जल्दी से दोनों तैयार हो जाओ, मेरे पोता पोती इंतजार कर रहे होंगे, हमें उन्हें लेने भी तो जाना है ना।